नमस्कार दोस्तों, एम के इलेक्ट्रिकल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये एलईडी टीवी हमारे यहाँ रिपेयर के लिए आई है। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले इसके वोल्टेज नाप के बताता हूँ, उससे पता लगेगा कि हमें इसमें प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, सप्लाई हमने लगाई है, आप देख सकते हैं। ये देखो, ये दोस्तों इंडिकेटर शो नहीं हो रहा है। सप्लाई तो इसमें कंडेंसर तक पहुँच रही है, जो फिल्टर मेन फिल्टर होता है दोस्तों, वहाँ तक हमें सप्लाई प्राप्त हो रही है। लेकिन दोस्तों, सप्लाई में फ्लक्चुएशन हो रहा है, मतलब कि कम ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों देखो, मैं आपको दोबारा से नाप के दिखाता हूँ। ये देखो, 290, 320, 322। तो दोस्तों, इस तरीके का फ्लक्चुएशन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा एसटीआर भी ख़राब हो सकता है, आप देख सकते हैं। ये देखो, ये एसटीआर है दोस्तों, यहाँ पर भी हमें वोल्टेज प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन फ्लक्चुएशन हो रही है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे सेकेंडरी सेक्शन में, हमें 12 वोल्ट प्राप्त होने चाहिए थे। ये देखो, यहाँ पर हमें 4 वोल्ट, 3.9 वोल्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने 20 वोल्ट की रेंज पर लगाया है मीटर को, लेकिन यहाँ 4 वोल्ट प्राप्त हो रहा है हमें। दोस्तों यहाँ 12 वोल्ट प्राप्त होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर भी हमें 4 वोल्ट प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमें जो कॉइल होती है हमारी, 1.2 वोल्ट प्राप्त होने चाहिए थे यहाँ पर, ये भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं दोस्तों। उसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें बैकलाइट वाली वोल्टेज प्राप्त होनी चाहिए, कम से कम 12 तो आनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन वो भी नहीं हो रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों सेकेंडरी सेक्शन में इसका प्रॉब्लम है, इसकी जो मेमोरी आई से वो हीट हो रही है थोड़ी सी। ये देखो दोस्तों, कंडेंसर भी करंट अपने अंदर स्टॉक कर रहा है। तो दोस्तों उसके बाद पहले हम सर्किट हटा हटा के देखते हैं। ये सर्किट अलग से लगा हुआ है दोस्तों बैकलाइट का, इस सर्किट को हटाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि इसमें कोई सेकेंडरी सेक्शन में ही फॉल्ट है, हमारी मेन आईसी भी गर्म हो रही है। तो दोस्तों देखो देखो, ये प्राइमरी सेक्शन है हमारा। तो दोस्तों हमें एक हमने सप्लाई हटाई है बैकलाइट वाली, तो 350 वोल्ट क्लियरली प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों, कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं। देखो 20 वोल्ट की रेंज पर सेकेंडरी सेक्शन में नापेंगे हम दोस्तों, 12 वोल्ट हमें प्राप्त हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी 12 वोल्ट, और दोस्तों हमें एक कॉइल, इस कॉइल पे तो नहीं प्राप्त होंगे, लेकिन इधर कॉइल पे 5 वोल्ट प्राप्त होने चाहिए। ये देखो, हमें 5 वोल्ट लगभग प्राप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों क्लियरली हमें पता लग गया है अब कि जो हमारा बैक लाइट का सर्किट था, जो हमने अलग से लगाया हुआ था, हमने कहा किसी मिस्त्री ने लगाया था दोस्तों, उसमें ही प्रॉब्लम थी, और उसी को दोस्तों हम दूसरा डालेंगे, इसको रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने का तरीका यह है कि इसमें एक आईसी होती है, मैंने जो हर रखा है ये वाली दोस्तों, ये ख़राब है इसमें, क्योंकि इसमें ये डाउट है दोस्तों, ये डाउट गर्म हो रहा है, तो दोस्तों डाउट ख़राब है। उसके बाद हम, हमारे पास अगर डाउट है तो डाउट डाल सकते हैं, अगर डाउट नहीं है तो दोस्तों हम ऐसी सप्लाई डालते हैं जो सेम इसी की तरह हो। देखो इंडिकेटर जल जाएगा अब दोस्तों, मैं सप्लाई में लगाता हूँ। ये देखो, इंडिकेटर जल गया दोस्तों। तो दोस्तों हमारा मदरबोर्ड तो पूरी तरह वर्क कर रहा है, लेकिन बैकलाइट वाला सेक्शन जो है वो हमें परेशान कर रहा है दोस्तों। तो हमें बैकलाइट वाले सेक्शन में हमें दोस्तों दूसरा सर्किट लगाना है दोस्तों, लगाना उसी तरीके से है। अगर दोस्तों नया भी लगाना होता है तो दोस्तों इसमें 12 वोल्ट प्लस और माइनस होते हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों स्टैंड बाई के रूप में ये पीला वाला तार लगाते हैं हम, जहाँ पे हमें स्टैंड बाई होने के बाद में वोल्टेज प्राप्त होते हैं। देखो दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों, हमें स्टैंड बाई देंगे हम इसकी। स्टैंड बाई देने के बाद दोस्तों पहले 5 वोल्ट प्राप्त देखते हैं दोस्तों, हमारे 12 वोल्ट प्रॉपर हैं कि नहीं। ये देखो, हमें 12 वोल्ट हमें प्रॉपर मिल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर भी हमें 12 वोल्ट मिलेंगे, यहाँ पे भी हमें 12 वोल्ट लगभग मिलेंगे। स्टैंड बाई होने के बाद ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों, अब हम स्टैंड बाई करेंगे तो दोस्तों बैकलाइट के लिए कम से कम 60, 65, 64 वोल्ट के आसपास हमें प्राप्त होने चाहिए, फिर धीरे धीरे। देखो दोस्तों, मैं स्टैंड बाई दूंगा अब इसमें। स्टैंड बाई देने के बाद दोस्तों दिखाने की कोशिश करूँगा मैं आपको, ये देखो इंडिकेटर हमारा जल गया है दोस्तों। दोस्तों इसमें स्टैंड बाई हमने दे दी है, मैं आपको जला के दिखा रहा हूँ। देखो दोस्तों,
उसका दोस्तों मैं एलईडी को दिखाऊंगा आपको चलाकर। दोस्तों हमारी एलईडी चल चुकी है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे दोस्तों। दोस्तों हम इसी तरह की इलेक्ट्रिकल से संबंधित आपको नई नई वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। दोस्तों चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि हमें इससे प्रोत्साहन मिलेगा दोस्तों, हम और नई नई वीडियो आपको लाते रहेंगे इसीलिए। ये देखो एलईडी चल गई है दोस्तों हमारी। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।